वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के काफ़ी इंटरेस्टिंग अपोनेंट के बारे में, जिसके बारे में ब्रॉक लेसनर खुद बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले हैं जो कि पॉल हेमन तारीफ करते हुए दिखाई देते कोडी रोड्स की। जे वाइट को लेकर क्या कुछ अपडेट है। जेफ हार्डी का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एंड बैकलैश के टिकट सेलिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड ब्लड लाइन के अंदर क्या हमें एक और मेंबर देखने को मिलेगा। तो काफी कुछ यहां पर इंटरेस्टिंग अपडेट है इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, आपको यहां पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। एंड टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री विंस को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि ट्विटर पे एक हैशटैग देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। दो हैशटैग है वैसे तो ट्रेंड कर रहा है, जो कि एक एंडओवर का है जो कि ऑनर बनी है नई नई कंपनी की, एंड ऑल्सो एक है विंस मैकमैन को लेकर। और विंस मैकमैन को लेकर जो ट्रेंडिंग देखने को मिल रहा है वो हैशटैग फायर विंस है। तो आज के एनएक्सटी के अंदर भी हमें हैशटैग फायर विंस जो कि चैंट होते हुए दिखाई दिया था। और कुछ ऐसा यहां पर जो कि मतलब बताया जा रहा है कि अपडेट ऐसी है कि स्मैकडाउन जो हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक, यानी कि इसी हफ्ते का जो हमें स्मैकडाउन देखने को मिलेगा इस हफ्ते में, सो उसमें यहां पर क्राउड हाईजैक करने वाली है जो कि हैशटैग फ्री विंस फायर करके, ऐसा कुछ यहां पर हमें हैशटैग देखने को मिलेगा। हैशटैग चैंट्स देखने को मिलेंगे, मतलब फ्री विंस के चैंट्स भी देखने को मिल सकते हैं स्मैकडाउन के अंदर। ऐसी कुछ यहां पर पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है, ऐसा प्लान बनाया जा रहा है हाईजैक के लिए। मतलब ये ट्विटर के कुछ अकाउंट्स की तरफ से ऐसी अपडेट आ रही है। तो देखते हैं भाई, मतलब क्राउड की तरफ से ऐसा कुछ देखने को मिलता भी है या फिर नहीं देखने को मिलता है। वेल, अगर ऐसा देखने को मिला तो भाई काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि एंडओवर को लगता है, मतलब एंडओवर को देखकर जो नई ऑनर बनी है इनको देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये हो सकता है सबकी सुने, तो ऐसा कुछ यहां पर ऑडियंस ट्राई कर रही है। तो लेट्स सी भाई क्या कुछ देखने को मिलता है। वैसे विंस से दिख रहा है भाई बहुत लोग को प्रॉब्लम, देखते क्या होता है। वैसे अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जेफ हार्डी को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जेफ हार्डी का हमें एक नया लुक देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो। तो फोटो के अंदर जेफ हार्डी यहां पर हमें काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। मतलब जेफ हार्डी की यहाँ पर हालत कहे तो एक तरीके से पूरी ख़राब देखने को मिल रही है। वेल, होप करते हैं कि भाई जो जेफ हार्डी की पुरानी जो बुरी आदतें थे वो छूटते हुए दिखाई दे जाए। तो ये कुछ हमें यहाँ पर लेटेस्ट अपीयरेंस देखने को मिला है जेफ हार्डी का, क्योंकि ये बहुत दिनों से पब्लिकली दिखाई नहीं दिए थे और ये जेल में भी थे, तो ऐसा कुछ यहाँ पर अपडेट आया था। तो फाइनली यहाँ पर हमें फ्री होते हुए दिखाई दिए हैं जेफ हार्डी। इनको लेकर आपके क्या थॉट्स है भाई कमेंट में जरूर बता देना। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जे वाइट को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जे वाइट को लेकर अपडेट हमें यहाँ पर ये देखने को मिली है कि जे वाइट का डब्ल्यूडी के साथ में कोई भी बॉन्ड नहीं है। वैसे ये अपडेट आई थी कि यहाँ पर डब्ल्यूडी का बॉन्ड है जो कि जे वाइट के साथ में, और हो सकता है कि वो हमें डब्ल्यूडी के साथ में साइन करते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन करंटली ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है, यानी कि जे वाइट हमें किसी भी मतलब कंपनी के बॉन्ड के साथ में नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है। यानी कि जे वाइट का भाई किसी भी सुपरस्टार के साथ में या फिर किसी भी कंपनी के साथ में कोई यहाँ पर अभी कॉन्टैक्ट नहीं है, और न किसी कंपनी में अभी फिलहाल तो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी वैसे इनको लेकर और भी क्या कुछ अपडेट आती है। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है बैकलैश 2023 को लेकर। तो बैकलैश 2023 को लेकर अपडेट हमें यहाँ पर ये देखने को मिली है कि बैकलैश 2023 एक तरीके से पूरा सोल्ड आउट होते हुए दिखाई दे चुका है। वेल, कितनी टिकट सेलिंग देखने को मिली है, कितने टिकट्स बिके हैं, क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला था, इसको लेकर अभी कोई क्लियर अपडेट नहीं है। लेकिन अपडेट ये बताया जा रहा है कि बैकलैश 2023 सोल्ड आउट होते हुए दिखाई दे चुका है। वेल, मुझे लग ही रहा था भाई, मतलब कि यूएसए से बाहर जब भी जाती है डब्ल्यूडी तो ऐसे में यहाँ पर हमें क्राउड एक तरीके से पूरा भर जाता है, वहाँ पर जो भी टिकट होता है वो बिकते हुए दिखाई दे जाता है, सोल्ड आउट हो जाता है। तो काफ़ी बढ़िया बात है, इसको लेकर आपके भी थॉट्स क्या है कॉमेंट में जरूर बता देना। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है पॉल हेमन की तरफ से। तो पॉल हेमन कोडी रोड्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं रिसेंट के इंटरव्यू के अंदर, जिसके अंदर वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो कोडी रोड्स हैं रसलमेनिया 39 के बाद एक बड़े स्टार बनते हुए दिखाई दे चुके हैं रसलमेनिया 39 के मैच के अंदर। एंड रसलमेनिया 39 के बाद जो कोडी रोड्स है वो एक बड़े सुपरस्टार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर पॉल हेमन तारीफ करते हुए दिखाई देते कोडी रोड्स को लेकर। वेल, जो कि ऑब्वियसली भाई सही बात है और अच्छी
अच्छी बात भी है। इसको लेकर आपका क्या कहना भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना क्या कोडी रोड्स बड़े सुपरस्टार है भी या फिर नहीं है। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और ये है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि ब्रॉक लेसनर रिसेंट का जो मैंने सुबह भी अपडेट दिया था ESPN को लेकर, जो कि डैनियल कॉर्मियर के साथ में इंटरव्यू देखने को मिला था, तो उसके अंदर यहाँ पर डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं गंथर को लेकर भी, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर का ये कहना था कि गंथर के साथ में तो मैच रसल करना चाहेंगे लेकिन अगर WWE प्लान करेगी तब ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। यानी कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पर तैयार हैं जो कि गंथर के साथ में एक फाइट के लिए, लेकिन WWE के स्टोरी लाइन के थ्रू WWE अगर यहाँ पर तैयार होती है, WWE प्लान करती है गंथर के साथ में एक मैच, तब जाके यहाँ पर ब्रॉक लेसनर उस मैच को लड़ते हुए दिखाई देंगे। और यह हालांकि वो मतलब इस मैच के लिए तैयार है, ऐसा कुछ यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिलता है गंथर को लेकर। यानी कि गंथर के साथ में ब्रॉक लेसनर लड़ना चाहेंगे और इनको ये चीज़ पसंद भी है, तो भाई काफ़ी अच्छी खासी बात है, ऐसा देखने को मिलेगा तो भाई काफ़ी बढ़िया रहेगा। ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर हम सभी लोग देखना चाहते हैं, जो कि रॉयल रंबल के अंदर जैसा फेस ऑफ देखने को मिला था उसके बाद से तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत लोग देखना चाहते हैं। तो इसके लेकर भी आपके थॉट्स क्या है कॉमेंट में जरूर बता देना। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है जो कि ब्लड लाइन से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जेकब फाटू, आप लोग जी जानते रहोगे, MLW के अंदर ये फिलहाल के टाइम पे काम कर रहे हैं, तो ये डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं WWE के प्लान्स को लेकर, जहां पर जेकब फाटू का ये कहना था कि रसलमेनिया 42 तक वो WWE के अंदर आना चाहते हैं ब्लड लाइन के साथ में। यानी कि तब तक ब्लड लाइन रहेगी भी या फिर नहीं रहेगी इसको लेकर कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जेकब फाटू यहाँ पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई वो रसलमेनिया 42 के अंदर WWE के अंदर आना चाहते हैं और हो सकता है वो ब्लड लाइन के साथ में रहें, तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैसे मुझे तो लगता कि तब तक ब्लड लाइन रहेगी, तो फिर भी जेकब फाटू आएंगे तो भाई वेलकम तो भाई, देखते हैं वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है तब तक। एंड ओवरऑल इस अपडेट के ऊपर, इन सारे अपडेट्स के ऊपर आपके क्या थॉट्स है कॉमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लेना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।